सौराष्ट्र बीजेपी के किस वरिष्ठ नेता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने अनुशासनात्मक नोटिस भेजा, जानिए क्या है मायने रखता है यह नोटिस, क्या है मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी में अंदरूनी कलह का एक और मामला सामने आया। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद रैयानी को प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के आदेश की अवहेलना करने पर अनुशासन भंग करने का नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी नेता बाबूभाई नसीत और नितिन ढाकेचा को भी नोटिस जारी किया गया है। तालुका भाजपा अध्यक्ष बाबू नसीब को कुछ समय पहले जिला अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया था। राजकोट लोधी का संघ में नियुक्त पर पार्टी के आदेश के बाद भी बीजेपी नेता हाईकोर्ट चले गए। पार्टी ने व्हिप से परे अनुशासन का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया। अरविंद रैयानी और उनके सहयोगियों ने पहले एक याचिका दायर कर निष्कासित निर्देशकों भानुभाई मेहता, गौरव सिंह जाडेजा और मुकेश को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। अरविंद रैयानी को सालों से राखी बंध भुआ नाम से जाना जाता है। जब वे राज्य सरकार में मंत्री थे तब उनके गांव गुंदा में माताजी का मांडवा था। उस समय निमंत्रण कार्ड में मंत्री की जगह राखी बंध भुआ अरविंद रैयानी लिखा था और उन्होंने सिर पर माताजी की चुंदड़ी भी पहनी थी। अब देखना यह रहेगा कि रैयानी के सामने नोटिस जारी करने के बाद पक्ष क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के बाद अगले मिशन के बारे में गुड न्यूज दी है। उन्होंने कहा कि इसरो का अगला टारगेट आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने का है। कौन सी तारीख की होगी घोषणा, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेहद उत्साहित है। अंतरिक्ष एजेंसी एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। इसरो चीफ एस सोमनाथन ने बताया था कि अब सितंबर के पहले सप्ताह में आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, जल्द तारीख की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसरो का अगला टारगेट इसके लॉन्चिंग करना है। एस सोमनाथ ने कहा, भारत अधिक अंतर्ग्रहीय मिशन शुरू करने में सक्षम है। इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार के जरिए देश की समग्र प्रगति का हिस्सेदार बनना है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण है और इसरो इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मून मिशन की कामयाबी के बाद एस सोमनाथ पहली बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। इसरो चीफ ने चंद्रयान 3 को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग ही नहीं बल्कि चंद्रयान 3 के सभी पहलू 100% सफल रहे, इस पर फोकस है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को इस पर गर्व है और हमें समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर की चांद की सतह पर चहलकदमी करने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर इसरो ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए बताया कि कैसे रोवर और लैंडर के बीच मजेदार बातचीत हुई, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद से लगातार तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। इसरो ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दे रहा है। लैंडिंग के 2 घंटे और 26 मिनट बाद लैंडर से रोवर भी बाहर आ गया। विक्रम अपने कैमरे से रोवर की तस्वीरें और वीडियो भेज रहा है। इसरो ने रोवर का एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि लैंडिंग के बाद कैसे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बीच में बातचीत हुई। वीडियो में देखा जा रहा है कि जो रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर के अंदर बैठकर चांद तक पहुंचा था, उसने लैंडिंग के बाद ठीक उसी अंदाज में विक्रम से अनुमति मांगी जैसे बच्चे घर से बाहर जाने के लिए अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्य, माता पिता आदि से अनुमति मांगते हैं। चांद की सतह पर उतरने से पहले प्रज्ञान ने विक्रम से पूछा, क्या मैं मून वॉक के लिए जा सकता हूँ? विक्रम ने एक बुजुर्ग की तरह अनुमति देते हुए जवाब दिया, हाँ तुम जा सकते हो लेकिन टच में रहना, जिस पर प्रज्ञान कहता है याहू। इसके बाद वह विक्रम से उतरकर चंद्रमा की सतह पर आ जाता है। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अभी तक करीब 10 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, जबकि 45,000 से अधिक लोग इसे लाइक कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जीएसटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रयान की सफलता ने सावन में उत्सव के माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान तीन को लेकर और क्या है प्रधानमंत्री मोदी ने कही बात, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो कि सावन के महीने में दो बार मन की बात कार्यक्रम हुआ हो। सावन यानी महाशिव का महीना, उत्सव और उल्लास का महीना। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन का समय हो गया है, इसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। इस दौरान पीएम ने अपनी पुरानी कविता भी सुनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन में एक पक्ष ऐसा रहा कि जिसकी चर्चा करना चाहता हूं। मैंने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि हमें वुमन लेड डेवलपमेंट का राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस मिशन में अनेकों महिला वैज्ञानिक सीधे तौर पर जुड़ी रही। मिशन चंद्रयान नए भारत के स्पिरिट का प्रतीक बन गया है, जो हर हाल में जीतना चाहता है, हर हाल में जीतना जानता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजकोट में ट्रैफिक से भरी सड़क पर एक युवक ने लापरवाही से फुल स्पीड में कार चलाई, जिससे अन्य मोटर चालकों की जान खतरे में पड़ गई। राजकोट में याग्निक रोड पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्या है मामला, आखिर कब सुधरेगी रईस बाप की औलादे, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात में मेट्रो सिटी अहमदाबाद हो या रंगीला राजकोट, गलत तरीके से वाहन चलाते हुए रईस बाप की बिगड़ी हुई औलादों की कोई कमी नहीं है। अहमदाबाद में तथ्य केस के बाद राजकोट में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यज्ञ रोड पर जो I-20 कार में सोशल मीडिया में स्टंट करते वीडियो वायरल थियो तो ये हूं चलावतो हतो। ये बदल एडिशन पुलिस स्टेशन में हमारी धरपकड़ करी, मारी कायदेसर कार्यवाही करेल छे। जे बदल हूं जनता ने संदेश आपवा मांगु छू कि आवा कोई स्टंट करवा नहीं, पूर झड़पे वाहन चलावु नहीं, या कायदाकीय गुन्हो छे, जे बदल हूं माफी मांगु छू। तथा कोई पूर झड़पे वाहन चलावु नहीं, पिछले कुछ समय से लापरवाह वाहन चालकों के कारण दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पुलिस लगातार नियमों का पालन कराने के लिए प्रयासरत रहती है। हालांकि आए दिन लोगों के लापरवाही से गाड़ी चलाने के वीडियो वायरल होते नजर आते हैं। वहां राजकोट की एक व्यस्त सड़क पर एक युवक ने अपनी कार पूरी गति से चलाई, जिससे वहां से गुजरने वाले अन्य मोटर चालकों की जान खतरे में पड़ गई। राजकोट के याग्निक रोड पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके आधार पर उस डिवीजन की पुलिस ने कार चला रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही युवक माफी मांगने लगा और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन न करने और सड़क पर स्टंट न करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बात करें अब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजनीति की, NCP बढ़ने के बाद अजीत पवार ने शरद पवार के गढ़ में किया शक्ति प्रदर्शन। क्या कहा अजीत दादा ने, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद शनिवार को पहली बार बारामती पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार का क्षेत्र में भव्य स्वागत हुआ। बारामती रांकापा प्रमुख शरद पवार का गढ़ कहलाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में अजीत पवार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजीत पवार ने रैली में किसी का नाम लिए बिना कहा, मैं बारामती के लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होने का एकमात्र कारण महाराष्ट्र का विकास था। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहता था, मैंने तो बस सच्चाई को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जैसा मेहनती कोई और नेता नहीं है। बारामती लोकसभा क्षेत्र से अजीत पवार की चचेरी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले सांसद है। सफेद कुर्ता पायजामा और पगड़ी पहनकर बारामती पहुंचे अजीत पवार पर फूलों की बारिश की गई और उन्हें एक बड़ी माला भेंट की गई। वह एक वाहन में रोड शो का नेतृत्व करते हुए रैली स्थल तक पहुंचे। रैली में अजीत पवार ने कहा कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने का एकमात्र कारण राज्य का विकास था। ब्यूरो रिपोर्ट। अतीक अहमद के परिवार की 3 महिलाओं के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 3 फरार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। साइस्ता परवीन समेत 6 अन्य के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। अब कैसे होगी कार्यवाही, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट।
अतिक अहमद के परिवार पर अब कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतिक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन समेत परिवार की तीन महिलाओं को अन्य आरोपियों के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। उमेश पाल हत्याकांड केस में फरार चल रही अतिक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी, अतिक के साथ मारे गए भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के खिलाफ अब एक और FIR दर्ज की गई है। अतिक के परिवार की तीन महिलाओं के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल तीन फरार नामजद आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इनमें अतिक के करीबी बमबाज गुड्डू, शूटर अरमान और साबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनरों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतिक अहमद का बेटा असद व तीन अन्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। नामजद किए गए अतिक अहमद व अशरफ की भी पुलिस कस्टडी में तीन हमलावरों में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के तहत फेसबुक में ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई है जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि फेसबुक का नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके बाद वह हमारे फेसबुक डाटा का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करेगा। आखिरकार क्या है सच्चाई, देखते हैं अंदर की बात में। भीड़ चाल एक ऐसी चाल है जिसमें बिना सोचे समझे लोग एक दूसरे के पीछे चलते ही रहते हैं। हर कोई दूसरे की नकल करना चाहते हैं और वे भी बिना सोचे समझे। फास्ट और सस्ते इंटरनेट ने भीड़ चाल को एक नई गति दी है और इसमें काफी इजाफा हुआ है। अब एक नई भीड़ चाल फेसबुक पर चल रही है। फेसबुक में ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई है जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि फेसबुक का नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके बाद वह हमारे फेसबुक का डाटा का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करेगा। फेसबुक पर फिलहाल जिसे देखो वह फेसबुक को आदेश दे रहा है कि मेरे डेटा का इस्तेमाल ना किया जाए। दरअसल ये पोस्ट पूरी तरह से एक भीड़ चाल का हिस्सा है। किसी को सच्चाई की जानकारी नहीं है, लेकिन सभी लोग कॉपी पेस्ट जरूर कर रहे हैं। फेसबुक ने इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है। इस तरह का पोस्ट पहले भी वायरल हुआ था, 2022 में भी यही पोस्ट वायरल हुआ था। सबसे जरूरी बात यह है कि फेसबुक की पॉलिसी पर आपने पहले ही अपनी सहमति दे दी है। बिना सहमति आप फेसबुक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। 30 अगस्त को कब और कैसे मनाएं रक्षाबंधन का त्योहार, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसके बदले में भाई अपनी बहन को भेंट देता है एवं आजीवन उसकी रक्षा का वचन भी देता है। अच्छे मुहूर्त अथवा भद्रा रहित काल में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्ति होती है। रिपोर्ट के अनुसार 30 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त रात 9:01 से लेकर 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक है। घर का मुख्य द्वार व प्रमुख स्थान है, जहां से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के भीतर प्रवेश करती है, जो कि आपकी और भाई की समृद्धि के लिए मददगार हो सकती है। पूजा के लिए एक थाली में स्वस्तिक बनाकर उसमें चंदन, रोली, अक्षत, राखी, मिठाई और कुछ ताजे फूलों के बीच में एक घी का दिया रखें। इस दिन देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। प्राणी इस दिन नदियों, तीर्थों, जलाशयों आदि में पंचगव्य से स्नान और दान पुण्य करके आप इष्ट कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।